मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और लचर प्रशासन के शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। डिंडौरी जिले के एक गांव में वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला असहनीय दर्द से परेशान होती रही। दरअसल बरौदी ग्राम पंचायत के बरौदी नामक गांव से देश के ग्रामीण इलाके की सच्चाई सामने आई है। बीते शुक्रवार शाम को सविता बाई झारिया नामक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। उसके परिजनों ने जननी एक्सप्रेस सेवा को संपर्क किया और तत्काल गांव पहुंचने को कहा। सविता भाई झारिया और परिवार एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था कि सविता की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एम्बुलेंस ड्राइवर गाड़ी मेन रोड पर खड़ा कर वहां तक मरीज को ले जाने को कहता रहा, जबकि मेन रोड से महिला का घर लगभग 2 किलोमीटर था और वहां तक गाड़ी आराम से पहुंच सकती थी, लेकिन ड्राइवर अपने अड़ी में रहा। परिजनों ने तबीयत बिगड़ती देख तत्काल खाट में गर्भवती महिला को लिटाकर एम्बुलेंस तक 2 किलोमीटर दूरी पर धीरे धीरे लेकर पहुंचे, क्योंकि एम्बुलेंस तक पहुंचने का उनके पास कोई और साधन नहीं था। जननी एक्सप्रेस गांव के मेन रोड तक तो पहुंची, लेकिन कच्ची सड़क होने की वजह से गांव के अंदर तक नहीं ले जाई गई। परिजन सविता को खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर चलकर गए और एम्बुलेंस तक पहुंचे। जननी एक्सप्रेस तक पहुंचने के बावजूद सविता की तकलीफों का अंत नहीं हुआ। सविता को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुरा ले जाया गया। डॉक्टर्स ने वहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया और इन तस्वीरों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लचर हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हमारे बहू की डिलीवरी केस था, उसको हम 108 नंबर फोन किया। अच्छा। तो गाड़ी वाला मेन रोड तक गाड़ी लेके आया। अच्छा। लेकिन अंदर 1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है मेन रोड से। हाँ। तो गाड़ी वाला लेके नहीं जा रहा। रास्ता था वहाँ? रास्ता भरपूर है पूरा, डेली गाड़ी अप डाउन होता है। क्या बोलता था? बोल रहा था कि अंदर लेके नहीं जाएंगे, खर्चा लगेगा। फिर अच्छा, फिर उसके लिए क्या किया? फिर हम 1.5 किलोमीटर खाट में लाद के लेके आए। अच्छा, खाट में लेके आए थे फिर एम्बुलेंस तक। जी। अच्छा, और कहाँ से हैं? बरौदी से। क्या नाम है आपका? महेंद्र झारिया। डिंडौरी से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।